और जैसे जैसे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अयोध्या में निर्माण कार्य तेज होते जा रहा है। अयोध्या इस समय त्रेता युग की तरह सजाई गई है। इस सजावट में एक और रंग जुड़ गया, वो ये कि अयोध्या शहर के फ्लाईओवर को राम के रंग में रंगा जा रहा है। जितने भी फ्लाईओवर हैं उनकी दीवारों पर रामायण से जुड़े प्रसंगों की पेंटिंग की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी। भगवान श्री राम के रंग में रंगे अयोध्या के फ्लाईओवर। फ्लाईओवर पर रामायण से जुड़े प्रसंगों की पेंटिंग। कहीं भगवान श्री राम के राज तिलक की पेंटिंग बनाई जा रही है, कहीं श्री राम भक्त हनुमान की पेंटिंग, कहीं पर माता सीता की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। तो कहीं रावण के वध की तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या से आई ये तस्वीरें मन को मोह लेने वाली हैं। अयोध्या शहर के फ्लाईओवर पर कुछ ऐसा ही नजारा नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों से आए कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन करते दिख रहे हैं और उनके हुनर का परिणाम रामायण से जुड़े प्रसंगों के रूप में सामने आ रहा है। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी में कुछ ऐसा ही चित्रण किया जा रहा है जो भगवान राम की जीवन लीला से जुड़ा है और अलग अलग उनके पहलू से उन चित्रों को अयोध्या में फैजाबाद जो कि पहले कहा जाता था, यहाँ की सड़कों पर फ्लाईओवर्स पर ये खास पहल की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये भगवान राम की यहाँ पर तस्वीरें जो चित्रकार है वह चित्रों से अपना कला को रेत रहे हैं और ये जो प्रसंग है जब भगवान राम युद्ध जीत कर लौट आए थे उसके बाद माँ सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जिस तरीके से ये पूरा माहौल था, अयोध्या नगर निगम के जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर पर ये पूरा दृश्य है वो उसका चित्रण किया जाएगा। खास तौर पर महोबा से जो कुछ कारीगर आए हैं, चित्रकार आए हैं जो कि ये पेंटिंग कर रहे हैं। देखिए आप ये तस्वीरें देखिए कि ये इनको इस तरीके का जो फोटो है वो दिया गया है और ये फोटो यहाँ पर मोबाइल से देख रहे हैं और तब यहाँ पर ये पूरी चित्रकारी फ्लाईओवर के जो दीवार है वहां पर कर रहे हैं। सभी फ्लाईओवरों पर रामायण काल की तस्वीरें उकेरे जाने से अयोध्या की खूबसूरती में चार चांद लग चुका है। दीवारों पर रामायण से जुड़े प्रसंगों की पेंटिंग श्री राम की भक्ति से सराबोर करती नजर आ रही है। फ्लाईओवर की हर दीवार पर रामायण से जुड़ी अलग अलग थीम की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। ये जो पेंटिंग तुम बना रहे हो ये पेंटिंग का मतलब भगवान राम के किस चरण का है ये जो तस्वीर है? सर जो ये पेंटिंग अभी हम कर रहे हैं वर्तमान में, भगवान जो राम थे जब वो युद्ध से अपने घर अयोध्या लौट कर आए थे तो उनका जब राज तिलक हुआ था उसी से संबंधित यह चित्र है। जब उनका राज तिलक हो रहा था वही सीन है युद्ध से लौटकर। जी जी देखिए प्रभु राम का जब राज तिलक हो रहा था तो कैसा माहौल उस वक्त था ये चित्र अयोध्या नगर निगम के इस फ्लाईओवर पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जोरों शोरों से ये तैयारी चल रही है। अयोध्या के फ्लाईओवरों की दीवारों पर भगवान राम की जिंदगी से जुड़े पहलुओं का चित्रण किया जा रहा है और इस पेंटिंग को बनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से कलाकार अयोध्या आए हैं। पेंटिंग कर रहे कलाकारों के मुताबिक ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें भगवान राम से जुड़े चित्रों को बनाने का मौका मिला। ये उनके सैनिक मतलब रखवाले लगे हैं, ये जो मतलब उनका जयमाला हो रहा है तो ये मतलब गार्ड है जैसे मतलब बोलते हैं पहरेदार है। देखिए एक एक चीजों को एक एक कोड को
प्रस्तुत करने की, दीवालों पर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर माहौल यही बनाया गया कि अयोध्या नगरी में इस जगह पर जो चित्र होगा वह जब प्रभु राम जब विजय प्राप्त करके लौटे थे, जब उनका राष्ट्र तिलक हो रहा था, जब पूरा उत्सव का माहौल था, तो ये माहौल है अयोध्या में। यानी इन फ्लाईओवरों पर रामायण से जुड़े हर घटनाक्रम की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। इन तस्वीरों में देखिए कैसे लंका में भगवान राम ने रावण का वध किया था। उसके बाद विभीषण के राज तिलक करने की भी तस्वीरें यहां बनाई गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया था और उसके बाद वो अयोध्या लौटे थे जहां उनका राज तिलक हुआ था, और जिस तरीके का माहौल वहां पर था रावण वध के वक्त, क्या माहौल था, कैसा था, कुछ ये पहल अयोध्या नगर निगम की ओर से की जा रही है। देखिए तस्वीरें पीछे देखिए, वहां पर भगवान राम के जीवन से जुड़े हर पहलू के, हर जो घटनाक्रम है उससे जुड़ी तस्वीरें यहां पर दीवारों पर उतारी जा रही है। देखिए भगवान राम यहां पर इन चित्रों में रावण का वध कर रहे हैं। अब रावण का वध करने के बाद वो आते हैं यहां पर, देखिए कितनी ये बड़ी तस्वीर है, कितनी अहम तस्वीर है। ये रावण गिर चुका है, भगवान राम ने रावण का वध कर दिया है, ये चित्र है। अब उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आगे ये देखेंगे कि यहाँ पर विभीषण को राज तिलक कर रहे हैं भगवान राम, विभीषण का उसको लंका की जो राजगद्दी है विभीषण को सौंप रहे हैं भगवान राम, और उनके साथ अन्य लोग मौजूद हैं। और उसके बाद क्या हुआ, एक एक करके जो जो सारे इवेंट है, घटनाक्रम है, इन अयोध्या की दीवारों पर सजीव चित्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा। अयोध्या के फ्लाईओवरों पर रामायण से जुड़े हर चित्रों को बहुत ही तल्लीनता के साथ बनाया जा रहा है। हर फ्लाईओवर की अपनी एक अलग थीम है, पूरी सीरीज तैयार की जा रही है। पर फ्लाईओवर का सीरीज के हिसाब से कर रहे हैं काम। जैसे यहाँ पर युद्ध से लेकर के पुष्पक विमान आया, अयोध्या में ये लोग पहुंच गए, देन उससे यू टर्न होकर के उनका राज तिलक से लेकर के श्री चलेगा। उसके बाद हम आगे अभी करेंगे वो जब सीता माँ का वो हरण हो गया था, ऐसे ही पूरा सीरीज होगा। उधर अयोध्या की तरफ भी यही सीरीज जा रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है। इस मौके पर अयोध्या नगरी को त्रेता युग की तरह सजाया जा रहा है। ऐसे में राम भक्त जब अयोध्या के फ्लाईओवरों से गुजरेंगे तो वो रामायण काल से जुड़े प्रसंगों के चित्रों को देखकर भगवान राम की भक्ति से सराबोर हो जाएंगे। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम आने वाले हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं अयोध्या से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर भरतकुंड। ये वही जगह है जहां भरत ने अपने भाई के वियोग में 14 साल तपस्या की। आज 500 साल बाद हम सभी भारतीय प्रभु राम के आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक वैसे ही त्रेता में भरत ने प्रभु राम का इंतजार किया। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ में हूं मित्र शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अयोध्या पर्व। अयोध्या पर्व में आज बात भरत कुंड की। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर स्थित है भरत कुंड। भरत कुंड वो स्थान है जहां पर प्रभु राम के भाई भरत ने 14 बरस तक अपने भाई का इंतजार किया। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कहानी भरत कुंड की। अयोध्या में नंदीग्राम भरत कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान राम के भाई भरत ने राम के वनवास से लौटने के लिए तपस्या की। मान्यता है कि प्रभु राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले गए तो भरत उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन राम ने भरत को नंदीग्राम पर ही रोक दिया। 14 वर्ष की वनवास की यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम जब चित्रकूट में थे तो उनके भाई भरत उनको मनाने के लिए गए। प्रभु राम ने मना कर दिया, वो नहीं लौटे। वहां से भाई भरत प्रभु राम की चरण पादुका लेकर लौटे, अयोध्या नहीं गए, वो चले आए नंदीग्राम भरत कुंड। और यहां पर भरत सरोवर के पास यहीं पर 14 साल तक उन्होंने तप किया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे भैया वनवास काटकर वापस नहीं आ जाते मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा।
मैं वो राजपाट नहीं संभालूंगा, यहीं पर वो नित निरंतर उनका ध्यान करते रहे, तपस्या करते रहे, तप करते रहे और इस सरोवर में स्नान करते रहे। भरत कुंड के जानकार बताते हैं कि चित्रकूट से प्रभु श्री राम का चरण पादुका लेकर भरत कुंड चले आए और यहीं से तपस्या करते हुए पादुका के आदेश पर राजपाट चलाने लगे। चरण पादुका को उन्होंने सिंहासन पर आरूढ़ किया और चरण पादुका से पूछ पूछ के कि कैसे राजपाट का संचालन करना है, जो आदेश चरण पादुका से होता था उसी अनुरूप वो अपने मंत्रियों को और वहां से जुड़े प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए जो अयोध्या के थे तत्कालीन, उन लोगों को निर्देश देते थे, उसी हिसाब से अयोध्या का राजपाट होता था, संचालन होता था। प्रभु राम के वनवास जाने के बाद भरत यहीं पर राम का इंतजार करते रहे। ये इंतजार ठीक उसी तरह है जैसे कलयुग में 500 साल देश की जनता कर रही है। तो प्रभु राम के भक्तों का इंतजार समाप्त होने वाला है, 500 वर्षों की तपस्या का परिणाम आने वाला है। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। ये तो हमारे युग की कहानी है, लेकिन त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम 14 बरस का वनवास काट कर लौटे थे तो अयोध्या नहीं गए, पहले अपने भाई भरत से मिलने के लिए भरत कुंड आए थे। नंदीग्राम में प्रभु राम की चर्चा के साथ भरत तप करने लगे और यहीं से उनके आदेश पर अयोध्या का राज चलाते रहे। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हुई सुई। आपके द्वारा जो कहा गया समझा गया वो वही धर्म का सार बनेगा। तो भरतलाल जी और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।